है दांत का उल्टा चश्मा। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है। हाँ देखो तो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नट्टू काका कि हम चांद पे जाके बस सकते हैं। बच सकते हैं? बस सकते हैं, बस। सच में अमेजिंग। बाबरी जी, आप ये वीडियो मुझे शेयर कीजिए ना। हाँ। तुझे चांद पे जमीन खरीदनी है? काश मेरे पास अगर उतने पैसे होते नट्टू काका, तो मैं चांद पे जमीन जरूर खरीदता। खरीद के क्या करता? वहाँ जाके रहता और वहाँ से रोज घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अपडाउन करता। अपडाउन क्यों करता? वही कोई काम धंधा ढूंढ लेता। क्या सैटेलाइट रिपेयरिंग? अरे हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है नट्टू काका। वैसे भी ऊपर हजारों सैटेलाइट घूमती रहती है, तो सैटेलाइट रिपेयरिंग का काम तो मिल ही जाएगा। अरे क्या सेक चली की तरह कुछ भी सोचे जा रहा है। जोक सपाट नट्टू काका, आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। फुल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वेब 3 और ब्लॉकचेन का जमाना है। हो सकता है कुछ साल बाद चांद पे जाना अमेरिका जाने जितना आसान हो जाए। अरे हाँ, बबीता जी भी यही कह रही थी। जैसे लोग यूएस और लंदन जाते हैं ना, वैसे ही लोग एक दिन चांद पे जाने लगेंगे। नट्टू काका, अभी तो हम जैसा सोच नहीं सकते, ऐसा ऐसा हो रहा है। मेटावर्स आ गया है, आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना सकते हैं, मतलब अपना खुद का अवतार बना सकते हैं, NFT क्रिएट कर सकते हो। क्या क्या ये NFT? क्या मतलब? नॉन फंजिबल टोकन। ये एक टाइप की डिजिटल प्रॉपर्टी होती है, वो क्रिप्टो करेंसी होता है ना, बस ठीक वैसा। ये यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन होता है जो सबके लिए अलग अलग बनता है। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने? हाँ खाली सुना है, वो क्या है वो मालूम नहीं है। सीट जी, ये सब डिजिटल करेंसी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मेरी मानिए तो सीट जी, आपको चांद पे जमीन खरीदी लेनी चाहिए, इसका आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सीट जी, इसके बारे में सीरियसली सोचने जैसा है। हाँ मेरा तो ठीक है, बबीता जी को चांद बहुत पसंद है, तो सोच रहा था कि चांद पे एक प्लॉट लेके उनको गिफ्ट में दे दूं। अरे सेठ जी, तो बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचिए मत, आप खरीद ही लीजिए। पावरी जी, आपको वीडियो मेरे साथ साथ सेठ जी को भी शेयर कर दीजिए। और सेठ जी, शुभश्च शीघ्रम। उस वीडियो में उस बुकिंग एजेंट का नंबर भी है, आप उसे फोन कीजिए और अभी के अभी प्लॉट बुक करवा दीजिए। भेज दिया, भेज दिया। हाँ, टूट टूट हुआ। हाँ आ गया, आ गया। सी जी, फोन लगाइए ना। अरे पर वो वीडियो के अंत में है ना फोन नंबर, भाई एक मिनट खोलना तो दे वीडियो। मिला? हाँ। एक मिनट, स्पीकर पे प्लीज प्लीज। हेलो, चांदनी स्पीकिंग फ्रॉम MRP। MRP? यस, मून रेजिडेंशियल प्रोग्राम, MRP। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैडम, वो आपके कंपनी का वीडियो अभी हमने देखा। ओके। उसमें आप लोग बोल रहे हैं कि चांद पे जो जमीन है वो आप लोग बेच रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं ना। ये बात सच है? जी 100% सच है। मतलब कोई भी जमीन खरीद सकता है? यस सर, कोई भी। तो क्या रेट पड़ेगा? सर आप एक काम कीजिए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कहाँ है आपके ऑफिस? वैसे तो हमारा हेड ऑफिस अमेरिका में है, लेकिन हर कंट्री के हर मेन सिटी में हमने अपनी एक ब्रांच खोल रखी है। अरे वाह, आप कौन सी कंट्री के कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? इंडिया, इंडिया, मुंबई। वाओ, मुंबई, फिर तो आप बहुत लकी है। लकी? हाँ, क्योंकि मुंबई ऑफिस में हमारी बुकिंग अभी भी चालू है और आज बुकिंग का लास्ट दिन है। ये लास्ट दिन?
जी क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर सिटी को बहुत ही लिमिटेड प्लॉट बेचने के लिए अलॉट किए गए हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके हमारे ऑफिस जाकर बुकिंग करा लीजिए। हाँ तो आपके ऑफिस का एड्रेस? वो मैं आपको इसी नंबर पर भेज देती हूँ। ओके ओके मैडम, ओके ओके। आ गया एड्रेस, आ गया। अच्छा कहाँ का है? ले। अच्छा अब तो एड्रेस भी आ गया सेठ जी, मुबारक हो मुबारक हो। क्या अभी से मुबारकबाद दे रहा है? अभी जमीन खरीदी कहाँ है? हाँ अरे नटू काका सेठ जी ऑफिस जा ही रहे हैं ना, तो वहाँ जाके जमीन तो खरीद ही लेंगे ना। हाँ वो तो है। सेठ जी एक सजेशन है। बोलना? नहीं सजेशन, सुझाव। एक सुझाव दूं? हाँ हाँ बोल। आप बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीद ही रहे हैं ना, तो साथ साथ आपके लिए भी जमीन खरीद लेना, और हो सके तो छोटा सा जमीन का टुकड़ा मेरे लिए, बावरी जी के लिए और नट्टू काका के लिए भी खरीद लेना, और उसके जो भी पैसे होंगे वो आप हमारे पगार से काट लेना। नहीं नट्टू काका?